नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका सिंह और आप देख रहे हैं अपना मनचाहा न्यूज। कल आईपीएल के 13वें सीजन का 53वां मैच खेला गया, जहां चेन्नई सुपर किंग ने किंग्स इलेवन पंजाब को 9 विकेट से हराया। इसके साथ ही करो या मरो का मैच गंवाकर पंजाब की टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई। यानी कि इस आईपीएल में चैंपियन बनने का सफर किंग्स इलेवन पंजाब का अब समाप्त हो चुका है। आपको बता दूं कि किंग्स इलेवन पंजाब ने 153 रन बनाए थे, जिसे कि चेन्नई सुपर किंग ने 18.5 ओवरों में ही मैच 1 विकेट खोकर एक बड़ी जीत हासिल कर ली। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि ऋतुराज गायकवाड़ ने लगातार तीसरा अर्धशतक यानी कि नाबाद 62 रनों की पारी खेली, जिससे कि लगातार तीसरा मैच जीतकर चेन्नई ने अपना सम्मान बचाया। और अगर देखा जाए तो किंग्स इलेवन पंजाब की यह 8वीं हार रही और वह पूरे 14 मैच खेलकर पॉइंट टेबल पे 12 अंक के साथ हैं। जो सबसे बड़ी बात है वो मैं आपको बता दूं कि पंजाब की टीम दूसरी टीम बनी जो कि अभी अपने प्लेऑफ में जगह नहीं बना सकी। यानी कि कह सकते हैं कि चेन्नई सुपर किंग और किंग्स इलेवन पंजाब दोनों ही इस आईपीएल के 13वें सीजन में अपना सपना पूरा नहीं कर पाए, और इस जीत के बाद भी चेन्नई सुपर किंग यानी कि धोनी की टीम प्लेऑफ में जगह नहीं बना सकती। यानी कि कुल मिलाकर कह सकते हैं कि किंग्स इलेवन पंजाब और चेन्नई सुपर किंग दोनों ही प्लेऑफ में जगह बनाने से असमर्थ दिखे। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि दोनों ही टीमों का सफर आईपीएल के इस सीजन में खत्म हो चुका है। तो जीत के लिए अब इन्हें अगले